आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप WhatsApp पर एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो। जिस तरह ShareIt पर आप इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को शेयर करते थे, कुछ उस तरह भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इन केस आपके पास एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ईजीएस्ट मेथड के बारे में, जिसमें आपका कम से कम एफर्ट लगेगा। हो सकता है आप कहो कि बहुत डम सी ट्रिक है, बट सबसे इजी ट्रिक यही है। आपको सिर्फ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, जो भी एप्लीकेशन आप अपने दोस्त से शेयर करना चाहते हो उसको सर्च करो, उसको ओपन करो, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स में जाना है और उसे शेयर करना है अपने दोस्त से। बस कहीं पे भी हो वो लिंक शेयर कर दो, अगला बंदा वो डाउनलोड कर लेगा गूगल प्ले स्टोर से। आई नो बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करोगे, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे एफर्ट्स काफ़ी बच रहे हैं। और साथ ही साथ अगर तुम APK भेजोगे तो डेटा उसका उतना ही यूज़ होगा। हो सकता है 2-3 MB 4 MB उसका ज़्यादा यूज़ हो, बट तुम्हारे कितने एफर्ट बच रहे हैं ये देखो। लेकिन अगर आपको अगर सीधे एप्लीकेशन ही शेयर करनी है WhatsApp पर, तो यहाँ पर आप जब Google Play Store से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको .apk फाइल नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं मौजूद APK, तो आपने यहाँ पर APK Extractor नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब आप मुझसे ये बहस करोगे कि अदनान भाई तुमने तो यहाँ टाइटल में लिखा है कि कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यही सेम गलती तुमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। लेकिन मेरे भाई छोटी सी एप्लीकेशन है 4-5 MB की, नहीं तो तुम्हें और ज़्यादा एफर्ट देना होगा। और 4-5 MB का अगर तुम्हारा डेटा चला जा रहा है तो उसमें क्या नुकसान है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऐप एक्सट्रैक्टर APK एक्सट्रैक्टर करके 8 MB या फिर 9 MB जो भी है इसकी APK आपको डाउनलोड करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से। फिर आप कहोगे कि यार मुझे ये एप्लीकेशन नहीं यूज़ करनी, तो दूसरा मेथड भी है, वो भी डिस्कस हम करेंगे। लेकिन इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी ऐप की लिस्ट मिल जाती है, और आपको जो भी एप्लीकेशन अपने दोस्तों से शेयर करना है, बस आपने उसके ऑप्शन में जाना है और शेयर पर टैप करना है। आपको इन्फो में जाना है, इन्फो में आप देख सकते हो इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, बट आपने शेयर करना है अपने दोस्त को, और सीधे शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। बस आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है और एक बार में आपका ये एप्लीकेशन शेयर हो जाएगा। देखा दोस्तों कितना आसान हो जाता है इस एप्लीकेशन से। लेकिन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी हो सकता है थोड़ा सा और डेटा ज़्यादा लगे और आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की APK डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आप apkmirror.com पे जा सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपका प्ले स्टोर का एक ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन की पुराने वर्जन की APK भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में किसी तरह की APK नहीं चल रही प्ले स्टोर से, और या आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ही नहीं काम कर रहा है, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन की। आपने यहाँ पर बस ऐप सर्च करनी है यहाँ पर सर्च बार में, और फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे स्वाइप करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इसमें जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में शायद से ना चले, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल जो वर्जन दिए हुए हैं वो हो सकता है आपको एक एक करके चेक करना। तो यहाँ पर मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा कि आपने 3 डॉट पे जाना है और इस वेबसाइट को शेयर कर देना है अपने दोस्त से। यहाँ पर आपको कोई APK डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और आपका जो दोस्त होगा वो जो भी आपके मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर हैं वर्जन्स हैं, उसको एक एक करके इंस्टॉल करके देख लेगा, जो उसका चल जाएगा, उसका काम हो जाएगा, आपका भी कोई डेटा ज़ाया नहीं होगा। और अगर आपको APK सेट ही करनी है, तो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक करके आप फिर वो APK उसको फिर से WhatsApp पर सेंड कर सकते हैं।